आ चुके हैं बच्चों हम लोग पीडब्ल्यू कोटा विद्यापीठ में। यस, पहली बार पीडब्ल्यू का प्योर ऑफलाइन सेंटर। पिछले 3 दिन से जब से मैं कोटा में हूं, मैं देख रहा हूं कि हर तरह की मुश्किलें, हर तरह की अड़चन, हर तरह की परेशानी आ रही है और दुनिया की हर ताकत ये कोशिश कर रही है कि पीडब्ल्यू का ये एजुकेशन का रेवोल्यूशन कोटा में ना रह पाए। पर ये रेवोल्यूशन हम नहीं, ये रेवोल्यूशन आप चलाते हो, ये रेवोल्यूशन इस देश का यूथ चलाता है, इसको रोकने की हिम्मत किसी में नहीं है। पीडब्ल्यू का ऑफलाइन सेंटर यहाँ खड़ा हो चुका है और इतनी तेज बारिश और भी इतनी सारी अड़चनें जो आपने पेपर में पढ़ी होगी, इसके बाद भी 1000 से ज़्यादा बच्चे ऑलरेडी पीडब्ल्यू के कोटा ऑफलाइन सेंटर में एडमिशन ले चुके हैं। ये प्राइस का रेवोल्यूशन है, ये सिलेक्शन का रेवोल्यूशन है, ये इमोशन का रेवोल्यूशन है, ये फैकल्टीज का रेवोल्यूशन है, ये नॉन बिजनेस माइंडसेट का रेवोल्यूशन है जिसको अब कोई रोक नहीं सकता। रास्ते जो फासले कब आएंगे सामने, जितना पीछा करोगे उतने बढ़ेंगे फासले, सपनों के लिए सांस ले, सपनों के लिए जान दे, कैसे है करना बस यही ना जानते। पालो मेरा हाथ, कूदो तुम ऊंचाई से, जाएंगे नीचे नहीं और भी ऊंचाई पे, जहां पे जीत की पुकार भी सुनाई दे, इस बात की मेरी पूरी जिंदगी का वाहिद है। पालो मेरा हाथ, कूदो तुम ऊंचाई से, जाएंगे नीचे नहीं और भी ऊंचाई पे, जहां पे जीत की पुकार भी सुनाई दे, इस बात की मेरी पूरी जिंदगी का वाहिद है। आज मैं आप सबको दिखाऊंगा पीडब्ल्यू का कोटा का ऑफलाइन सेंटर और इसका पूरा टूर करेंगे हम लोग। मेरे साथ आपके बहुत ही चहेते, बहुत ही फेवरेट पंकज सर, ओपी पंकज सर हैं। पंकज सर आपके कोटा सेंटर के हेड भी हैं और आपके कोटा सेंटर के कर्मचारी भी हैं। तो पीडब्ल्यू के हर एक व्यक्ति यहाँ पे एक बेसिक से लेके एक सीईओ की लेवल तक का काम करता है। पंकज सर यहाँ पे वही रहेंगे, यहाँ पे आपकी सारी प्रॉब्लम सुनेंगे, यहाँ पे आपको पढ़ाएंगे, यहाँ पे आपका सिलेक्शन इंश्योर करेंगे। तो पंकज सर विल बी ऑल टाइम प्रेजेंट इन कोटा हियर। आप लोगों को मैं दिखाता हूँ हम लोग का ये पीडब्ल्यू कोटा ऑफलाइन सेंटर, कंप्लीट सेंटर आपको दिखाते हैं। उस तरफ अगर आप देखें तो हमारा जेई विंग होगा, आईआईटी जेई की, जहाँ पे आपकी पढ़ाई होगी। और इस तरफ अगर आप देखो तो आपका नीट का विंग होगा, जहाँ से हम मेडिकल की प्रिपरेशन करेंगे। तो ये दो डिफरेंट हम लोग के विंग हैं। आईआईटी के बच्चे उस तरफ जाएंगे और नीट के बच्चे इस तरफ आएंगे और सिलेक्शन हो के सारे बच्चे वहाँ आसमान में छाएंगे। तो क्या मिसिंग था कोटा में, क्यों पीडब्ल्यू को कोटा आना पड़ा, क्या रीज़न था कि पीडब्ल्यू ने कोटा ऑफलाइन सेंटर खोला और क्या रीज़न है कि खुलते ही पहले दिन के अंदर 1000 बच्चे पीडब्ल्यू में एडमिशन ले लिए। क्या हुआ? ठीक है। तो पंकज सर गए हैं कुछ बच्चों से मिलने, हम लोग देखते हैं इस सेंटर का पूरा टूर। तो ये आपका हो जाएगा नीट का विंग और वो आपका है जेई का विंग। अगर मैं बात करूं कि इस पूरे बिल्डिंग में कितने बच्चे पढ़ सकते हैं, तो 10,000 बच्चे जो पूरे भारतवर्ष से यहाँ आएंगे वो यहाँ पे पढ़ सकते हैं एक बार में, और अगर 2 शिफ्ट में चलेगा तो 20,000 बच्चे पढ़ सकते हैं। ये बिल्डिंग आपकी है, हमारे इंडिया के सारे बच्चों की है, सारे पीवीएंस की ये बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग मेरी नहीं है। आओ इस बिल्डिंग में पढ़ते हैं, प्राइस के इस रेवोल्यूशन में पढ़ते हैं, इंडिया के बेस्ट टॉप टीचर्स से पढ़ते हैं जिन्होंने ऑल इंडिया रैंक 3, ऑल इंडिया रैंक 7, मतलब सिंगल डिजिट डबल डिजिट ऑल इंडिया रैंक प्रोड्यूस की है। पीडब्ल्यू की उस बेसिक आइडियोलॉजी से पढ़ते हैं जो ये बिलीव करता है कि भीड़ में से हर एक बच्चे के अंदर सिलेक्शन की कैपेसिटी है अगर आप उसको सही गाइडेंस दें। या अगर आप मेरे से कहते हो कि 1% बच्चा ही आईटी में सेलेक्ट होगा, मैं ये बात मान सकता हूँ। अगर आप मुझे ये कहते हो कि 1% बच्चे की ही औकात है आईटी में सेलेक्ट होने की, तो मैं ये बात नहीं मानता। मुझे लगता है हर वो बच्चा जो सपना देखता है, उस गोल को चेस करता है, वो आईटी में सेलेक्ट हो सकता है अगर उसके पास इंडिया के बेस्ट टीचर और वो टीचर हों जो उससे इमोशनली कनेक्ट होते हों, वो टीचर हों जो उसको बेसिक से उठा के पढ़ाना जानते हों। क्या मिसिंग था कोटा में, क्या चीज़ नहीं थी जो पीडब्ल्यू को आना पड़ा? अब ऐसे बहुत से बच्चे थे जो तुले हुए थे, नहीं सर मुझे कोटा आके ही पढ़ना है और पीडब्ल्यू का ऑप्शन नहीं है कोटा में, हमारे पेरेंट्स हमको फोर्स करते हैं ऑफलाइन में जाने को, पर ऑफलाइन में पीडब्ल्यू है नहीं। कुछ बच्चे ऐसे भी हो कहते हैं सर हम ऐप से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, हम इतने डिसिप्लिन नहीं है कि अपने आप ऐप से पढ़ सकें। कुछ बच्चे ये भी बोलते हैं कि सर हमारे घर में इतना माहौल ही नहीं है पढ़ाई का, हमको कोचिंग जाना है, हमें अगल बगल बच्चे चाहिए, हमें माहौल चाहिए। भाई बहुत से लोगों को माहौल चाहिए होता है, अगल बगल दोस्त हैं, सॉल्व कर रहे हैं, वो कॉम्पिटिशन लाइव दिखता है तो उनको वो चाहिए। तो वो बच्चों को कोटा आना होता है। अब उनको कोटा आना था, वो पहुंच गए पेरेंट्स के प्रेशर में, किसी तरह से अपना वहां पे जमीन बेच के, किसी तरह से लोन लेके, किसी तरह से चाची मामी दादा दादी ताऊ जी से उधार लेके आए यहाँ पे, और यहाँ आके 1.5 लाख रुपए दे दिया किसी कोचिंग को,
और फिर वो कोचिंग क्या बोलती है, आप साहब बहुत लेट हैं, अब IIT में तो नहीं हो सकता आपका, पीछे की किसी बैच में बैठ जाइए, देखते हैं क्या होगा, है ना, हमारे रैंकर्स तो ऑलरेडी तैयार हैं। ये सुनने थोड़ी ना आए थे वो यहाँ तक, वो तो यह सुनने आए थे कि आपका बच्चा सेलेक्ट होगा। और ये PW इंश्योर करता है कि कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा अगर हमारा साथ दे, हमारा सपोर्ट करे और हमारे सिस्टम को फॉलो करे तो वो सेलेक्ट होगा। ये ऑनलाइन में हमने प्रूफ किया है, ऑनलाइन में तो इतना ज़्यादा हमारा टच नहीं था, ऑफलाइन में तो हम बच्चों के सामने खड़े होंगे, डांटेंगे पीटेंगे नहीं, पर डांटेंगे, कान भी मरोड़ेंगे उसको प्यार से और उसको समझाएंगे, कभी प्यार भी करेंगे, कभी गुस्सा भी निकालेंगे, पर उसका सिलेक्शन करवा के रहेंगे। हम यहाँ इसीलिए खड़े हैं कि हर बच्चा, चाहे वो टॉपर हो, चाहे मीडियोकर हो, चाहे वीक हो, अगर वो हमारे साथ जुड़ता है तो हमारी जिम्मेदारी उसके सिलेक्शन की। चलते हैं, आपको सेंटर टूर कराते हैं। तो ये हमारा नीट ब्लॉक, ओ भाई साहब, ऑटोमेटिक दरवाजे, और ये हमारी टीम, कुछ पेरेंट्स यहाँ पे, कुछ बच्चे यहाँ पे, और ये हमारी काउंसलर की टीम। तो ये हमारी काउंसलिंग टीम यहाँ पे बैठी है। टीचर्स कहाँ मिलेंगे मुझे? अंदर। चलिए टीचर्स से भी मिलते हैं। ऑल द क्लासेज एंड DPP विल बी अवेलेबल ऑन PW ऐप। यस, दिस इज ऑल्सो देयर। अच्छा, पता है अभी तक ऑफलाइन में क्या चलता था कि किसी की एक दिन की अगर क्लास छूट गई तो उसकी रिकॉर्डिंग नहीं मिलती थी। कई बच्चे कहेंगे सर हमारे यहाँ तो मिलती है, कहाँ, कंप्यूटर में दिखा दी जाती है इंस्टीट्यूट में, फिर कहा जाता है कि अब नहीं मिलेगी, घर जाने को नहीं। यहाँ ऐसा नहीं होगा बच्चा, यहाँ आपकी सारी रिकॉर्डिंग ऐप में आपको अवेलेबल रहेगी। कोई भी दिन की आपकी क्लास छूटती है, आपका कोई इंपॉर्टेंट सेशन छूटता है, तो उसकी कंप्लीट रिकॉर्डिंग आपके ऐप में हमेशा के लिए रहेगी। तो ऑफलाइन के साथ ऑनलाइन का सपोर्ट रहेगा। यहाँ पे कुछ बच्चों की काउंसलिंग करते हुए पंकज सर, ये बच्चे आए हुए हैं, कहाँ से आए हो भाई आप लोग, आप कहाँ से हैं? कोटा से ही हैं आप? अच्छा, रहने वाले भी कोटा के ही हैं। कलकत्ता से आए हैं आप? आप किस ड्रॉपर नीट के लिए आए हैं? पहली बार कोटा आए हैं आप? हम लोग भी पहली बार आए हैं। मैं एक बार और आया था नोट्स खरीदने, टीचर्स के नोट्स खरीदने आया था यहाँ 2017 में, बहुत सारे बड़े बड़े टीचर्स के नोट्स खरीद के ले गया था, और वो नोट्स मेरे को बड़े महंगे मिले थे। अब मुझे लग रहा है उस नोट्स की प्राइस में हम लोग यहाँ कोचिंग देंगे, तो मुझे तब नहीं लगा था ऐसा कुछ हो पाएगा। यहाँ बहुत बड़े टीचर्स के नोट्स खरीदने आया था, आई एम वेरी प्राउड कि आज वो सारे टीचर्स हम लोग के साथ पढ़ा रहे हैं यहाँ पे। कैसा लग रहा है यहाँ के? अच्छा लग रहा है, क्या जोश आ रहा है, जोश के साथ सिलेक्शन आ जाना चाहिए भाई। पेरेंट्स किधर हैं? बहुत बढ़िया। तो यार जोश बहुत अच्छी चीज़ है, पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा यहाँ पे आपका सिलेक्शन होना। कोटा में कई लोग कहते हैं कोटा माहौल देता है, माहौल देता है, माहौल देता है, कोटा माहौल खराब भी करता है बच्चों, सिर्फ माहौल अच्छा नहीं करता, खराब भी बहुत करता है। तो ये आपके ऊपर होता है कि आपको रुके रहना पड़ेगा, आपको याद रखना पड़ेगा कि आपके पेरेंट्स ने किस संघर्ष के साथ आपको यहाँ पे भेजा है, और उस डेडिकेशन के साथ आपको पढ़ाई करना होगा, और हमेशा ये बिलीव करना होगा कि आप सेलेक्ट होके ही यहाँ से जाओगे। कोई बहुत डिफिकल्ट चीज़ नहीं है सिलेक्शन लेना, वही गिनी चुनी 4-5 बातें हैं, उन्हीं को आपको फॉलो करना है, लेक्चर्स करने हैं, अपने DPP करने हैं, अपने असाइनमेंट करने हैं, अपने सारे टेस्ट देने हैं, बस इतनी चीज़ें, और टीचर्स की बातें सुननी। तो यार ये क्या कर लिया तुम लोग ने, मतलब एक छोटे से रूम से पढ़ा रहा था तब से आप देख रहे थे, और आज देख रहे हो ये पूरी बिल्डिंग, मतलब इतनी बड़ी बिल्डिंग आप लोग की है, ये आपकी है बच्चों, ये आपके लिए ली गई है, यहाँ आके आप ही पढ़ोगे, और मतलब दिस इज समथिंग वेरी मच रेवोल्यूशनरी है। अभी तो कुछ आपने बिल्डिंग की पूरी फोटोज़ भी देखी होंगी। आओ चलते हैं क्लास में, देखते हैं कैसे पढ़ाई हो रही है PW के इस ऑफलाइन सेंटर में। तो हम लोग आगे क्लास में अपने, हम लोग क्लास में आ गए। एकदम सही बात है आप लोग की, है ना, बैठ जाए सभी लोग शांति से, इसको नहीं उठना। PW के बच्चे जिंदाबाद, PW के बच्चे, PW के बच्चे, PW के बच्चे जिंदाबाद, जिंदाबाद। तो अब हम लोग
आ चुके हैं पीडब्ल्यू ऑफलाइन कोटा सेंटर के पहले डाउट काउंटर पे। इस तरह के मल्टीपल डाउट काउंटर्स यहाँ पे बने हुए हैं जहाँ बच्चे अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। 6 to 8 hours टीचर्स यहाँ आपके अवेलेबल रहेंगे, इतने घंटे आप यहाँ बैठ के पढ़ भी सकते हो, अपने डाउट भी पूछ सकते हो। पर सर रात को 11 बजे पढ़ते वक्त डाउट आएगा तो यहाँ टीचर मिलेगा क्या? और अगर टीचर मिलेगा भी तो क्या मैं अपने हॉस्टल से रात को 11 बजे यहाँ आऊँगा या मैं आऊँगी? नहीं सर, मेरे पेरेंट्स तो नहीं अलाउ करेंगे, करना भी नहीं चाहिए भाई, है ना। तो अगर आपको रात बिरात डाउट आता है, आपको सुबह सवेरे डाउट आता है 6 बजे, तब क्या करेंगे? तो ये तो हर कोचिंग में होता है कि डाउट काउंटर्स होते हैं, टीचर 6 to 8 hours 6 to 10 hours बैठते हैं, वो पीडब्ल्यू में भी होगा। पर इसके साथ क्या रेवोल्यूशनरी होगा बच्चों कि इन आर्स के सिवा आप अपने रूम पे बैठे हो हॉस्टल पे, एक छोटा सा डाउट है उसके लिए कहां दौड़ने पूछ के जाएं, एक छोटे से डाउट के लिए दौड़ने जा रहे हैं, या रात का टाइम है या सुबह का टाइम है अर्ली मॉर्निंग, तो बेटा आप एक बटन दबाओगे और एक बटन दबाते टीचर आपके सामने प्रकट हो जाएगा। तो ये एक ऐसा प्रोडक्ट हमने बनाया हुआ है पीडब्ल्यू ऐप में, और बहुत जल्द ये ऑनलाइन वाले बच्चों को भी मिलेगा बहुत ही लो कॉस्ट के अंदर। और जितने बच्चे हमारे ऑफलाइन सेंटर को ज्वाइन कर रहे हैं उनके लिए ये कंप्लीटली फ्री होगा। ये एक बहुत नई टेक्नोलॉजी हमने बनाई है बहुत मेहनत से, जिसमें एक बटन दबाते ही टीचर सामने प्रकट हो जाएगा वीडियो कॉल पे, आपका डाउट पूछेगा, आप अपना डाउट बताओगे, वो आपको सोल्यूशन बताएगा, आप बोलोगे ये चैप्टर कैसे पढ़ना है, वो आपको सजेशंस भी देगा। तो ये चीज उन सभी बच्चों को फ्री मिलेगी जो जो कोटा में ऑफलाइन सेंटर में एनरोल करेंगे। ऑनलाइन में जितने भी बच्चे होंगे ये बहुत ही मिनिमम कॉस्ट में ये होगा। कई बच्चे ऑनलाइन सोच रहे हमें नहीं मिलेगा, क्या मिलेगा बेटा, बहुत ही मिनिमम कॉस्ट में मिलेगा, ये रेवोल्यूशनरी चीज आने वाली है। तो ये था हम लोग का पीडब्ल्यू का ऑफलाइन कोटा सेंटर, और ये रेवोल्यूशन एक चीज का नहीं है कि हम यहाँ पे फीस कम कर रहे हैं, नहीं, ये रेवोल्यूशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इस चीज का है कि जो भी बच्चे अपने सपने लेकर कोटा आते हैं ना सेलेक्ट होने के, एवरेज बच्चा जो सपने लेके आता है कोटा में सेलेक्ट होने का, ये उनके लिए है। हमने बोला, कई बार बोला, हम टॉपर्स को पढ़ाने के लिए सिर्फ यहाँ नहीं बैठे हैं, उनके लिए बैठे हैं जो बेसिक से पढ़ के सेलेक्ट होना चाहते हैं। पर हाँ, आज के इस पूरी कहानी में आपको एक चीज लगने लगी होगी, और ये नहीं लगना चाहिए, और इसलिए मैं इस बात को लास्ट में जरूर करूंगा। हो सकता हो आप पंजाब के किसी गांव में बैठे हो, उत्तर प्रदेश के किसी टियर 3 सिटी में हो सकता हो आप बिहार में हो, और आपको ये फीलिंग आ रही हो कि मैं तो कोटा नहीं आ पाऊंगा, मैं तो YouTube से फ्री में पढ़ रहा हूं आपके लेक्चर से, या सर मैं तो ऐप से पढ़ रहा हूं, क्या मेरा सिलेक्शन का चांसेस कम हो गया? अरे बिल्कुल नहीं, ऐप से हजारों सिलेक्शन हुए हैं, सिलेक्शन पीडब्ल्यू ऐप से होगा। पर हाँ, बहुत से बच्चे कोटा आगे पढ़ाई करना चाहते हैं, उनके लिए पीडब्ल्यू ने ये सेंटर खोला, अपने आइडियोलॉजीज को ध्यान में रखे खोला, अपने एथिक्स को ध्यान में रखे खोला, सारे बच्चों को पढ़ाएंगे, बेसिक से उठाएंगे, और जो आपने फीस दी है उसका सम्मान करके आपको सिलेक्शन हम जरूर दिलाएंगे। पढ़ लो चाहे कहीं से, सिलेक्शन होगा यहीं से, रेवोल्यूशन नहीं रुकने वाला, पीडब्ल्यू नहीं झुकने वाला। जय हिंद।